अनुपम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक REST API बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे कि एक ID देंगे और उस ID पर जो भी डेटा रखा हुआ होगा टेबल के अंदर, उसको हमें फेच करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी सर्विस क्लास के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्विस क्लास हमने ओपन की हुई है। तो यहाँ पर हम एक मैथड बनाते हैं, मैथड होगा पब्लिक, और यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप ले लेंगे यूज़र। और जब भी हम डेटा के थ्रू या नेम के थ्रू डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑप्शनल, और इसको इस तरह से हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसका कुछ भी नेम दे देते हैं हम, गेट डेटा बाय ID। और यहाँ पर हम एक ID ले लेंगे, इंट ID, और इसकी बॉडी यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि जो रेपोजिटरी होती है उसके पास सारे मेथड होते हैं जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़र रेपोजिटरी को ऑटो वायर्ड किया हुआ है, और यूज़र रेपोजिटरी हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरह से करते हैं, दिस डॉट यहाँ पर ले लेंगे हम यूज़र रेपोजिटरी, और यूज़र रेपोजिटरी के पास एक मेथड होता है फाइंड बाय ID। तो यहाँ से हम इस फाइंड बाय ID को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, और इसको हम एक ID दे देंगे। ये इस ID पर जो भी डेटा रखा हुआ होगा उसको हमें ला के दे देगा, और जो ये हमें डेटा देगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेंगे। तो यहाँ पर वो जो हमें डेटा मिलेगा वो हम यूज़र के अंदर स्टोर करा लेंगे, और इस यूज़र को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इतना ही काम होता है सर्विस क्लास के अंदर। एक मेथड बनाना है आपको, मेथड के अंदर आपको एक ID देनी है, और यूज़र रेपोजिटरी के थ्रू फाइंड बाय ID को कॉल करके उस ID को यहाँ पर आपको पास कर देना है। अब आते हैं हम अपने कंट्रोलर क्लास के अंदर, और कंट्रोलर क्लास के अंदर से सर्विस के अंदर जो हमने अभी गेट डेटा बाय ID मेथड बनाया है उसको यहाँ पर हम कॉल लगाते हैं। तो इसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा पब्लिक, यहाँ पर लेंगे हम यूज़र, और यूज़र के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑप्शनल, और इस मेथड का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे दे देंगे हम गेट यूज़र, और इसके राउंड ब्रैकेट में यहाँ पर ले लेंगे हम गेट यूज़र, पहले से भी बना हुआ है तो हम इसका नेम यहाँ पर चेंज कर देते हैं यूज़र डेटा, गेट यूज़र डेटा, और यहाँ पर ले लेंगे हम इंट ID, और इसका हम ब्रैकेट एक बना देंगे। अब हमें देखिए करना क्या है कि डेटाबेस से डेटा को निकालना है, तो जब भी डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट मैपिंग एनोटेशन। तो यहाँ पर हम गेट मैपिंग एनोटेशन ले लेंगे, और इसके राउंड ब्रैकेट में हम एक URL दे देंगे गेट। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि गेट के साथ एक डेटा भी भेजें, एक ID भेजनी है, मतलब जब हम वहाँ से URL भेजेंगे तो वहाँ पर हम एक ID भेजेंगे, तो वो ID यहाँ पर हम लेने के लिए स्लैश लगाएंगे, और इस तरह से हम करली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर ID ले लेंगे। आप यहाँ पर ID की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, XYZ जो आपको लेना है वो आप ले लीजिएगा। अब जो पोस्टमैन से हम ID भेजेंगे वो इस ID के अंदर आ जाएगी, और इस ID से हमें वो ID निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक होता है एनोटेशन, जो क्या करता है URL के साथ जो भी डेटा आता है उसको फेच करता है, तो वो होता है हमारे पास पाथ मैप, पाथ वेरिएबल ले लेंगे, और पाथ वेरिएबल के राउंड ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आप डबल कोमाज लगाइएगा, और इस डबल कोमाज के अंदर आपको यही ID पास कर देनी है जो आपने ऊपर गेट मैपिंग में पास की है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि सर्विस के अंदर जो हमने मेथड बनाया था, आपको दिखा देते हैं कि सर्विस के अंदर हमने ये मेथड बनाया था गेट डेटा बाय ID, तो इस मेथड को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सर्विस जो है यूज़र सर्विस क्लास उसको यहाँ पर ऑटो वायर्ड किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस, और यहाँ से इसके अंदर से हम मेथड कौन सा कॉल करेंगे, गेट डेटा बाय ID। तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे, और ये एक पैरामीटर लेगा ID, जो कि हम यहाँ पर ये ID है वो हम यहाँ पर पास करा देंगे, और ये हमें क्या करेगा, जो भी रिटर्न करेगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो उसको वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं, डेटा बाय ID के अंदर वो स्टोर हो जाएगा आके, और इसको हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, डेटा बाय ID को हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक API बना सकते हैं जो क्या करेगा, डेटाबेस से एक पार्टिकुलर ID पे जो डेटा रखा हुआ होगा उसको फेच करके देगा। सबसे पहले आपको सर्विस क्लास के अंदर आना है,
और सर्विस क्लास के अंदर आपको एक मेथड बनानी है। उस मेथड के अंदर आपको यूजर रिपोजिटरी से फाइंड बाय आईडी को कॉल लगानी है और उसमें आपको आईडी दे देनी है। और ये जो आपने यूजर सर्विस के अंदर यानी कि सर्विस क्लास के अंदर जो मेथड बनाया है, इसी को आपको कॉल करना है अपने कंट्रोलर के अंदर से। और जब कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक आईडी दे देनी है और ये आईडी पे जो भी आपको डेटाबेस में डेटा होगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो चलिए अब हम इस REST API को क्या करते हैं, पोस्टमैन के ज़रिए से इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। आ गए हैं हम हमारे पोस्टमैन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने URL दिया हुआ था इस URL में हम एक ID देकर भेजेंगे, जिससे क्या होगा कि उस ID पे जो भी डेटा रखा हुआ होगा वो हमें यहाँ पर फेच करना है। तो यहाँ पर URL कैसे देते हैं, स्लैश लगा लेंगे और स्लैश लगाने के बाद हम कोई भी एक ID दे देंगे। जैसे मैं ID 2 दे देता हूँ, तो ID 2 पे जो भी डेटा रखा हुआ होगा वो हमें यहाँ पर फेच करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जितना भी डेटा है डेटाबेस के अंदर वो हमें यहाँ पर सब शो हो रहा है, लेकिन हमें केवल एक सिंगल डेटा चाहिए जो एक पार्टिकुलर ID पे रखी होगी। तो हम यहाँ पर आएंगे सेंड पे और सेंड पर प्रेस कर देंगे। जैसे ही सेंड पर प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड में और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई, एरर ना हुआ, तो वो पार्टिकुलर डेटा हमें दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ID 2 पे जो डेटा रखा हुआ है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ID के थ्रू डेटाबेस से डेटा को फेच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में जो दूसरे इसके एनोटेशन बचते हैं, डिलीट मैपिंग और पुट मैपिंग, उनको भी हम करके देखेंगे। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।